नई नई ज्वाइन करी अपनी सिक्किम पोस्टिंग के लिए ट्रेन से गैंगटॉक जा रहा था। उसने देखा कि ट्रेन की सीट के पास आकर बहुत सारे जवान उस सीट पर हाथ पैर जोड़कर जा रहे थे। वो सीट एकदम खाली थी और सीट के नीचे दो बड़े बड़े बक्से पड़े हुए। रमेश को कुछ समझ नहीं आया तो वो अपनी आंखें बंद करके सो गया। देर रात में उसकी आंख खुली तो अंधेरे में उसे आर्मी की यूनिफॉर्म पहने बैठा एक लड़का दिखा जो उसी खाली सीट पर बैठा था और रमेश को एक मुस्कान के साथ देख रहा था। उसे देखते ही रमेश थोड़ा घबरा गया और उठ के बैठ गया। रमेश ने जब उस लड़के से पूछा कि क्या वो सीट उसकी है तो उस लड़के ने आंखों के इशारे से हाँ कहा। तब रमेश ने पूछा कि वो लड़का कौन है और लोग उसकी सीट पर आकर हाथ क्यों जोड़ रहे थे। इस बात पर उस लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। रमेश ने फिर पूछा पर फिर वो लड़का एक मुस्कान लिए उसे देखता रहा। रमेश उस लड़के को पागल बोलकर लेट गया पर जब उसने वापस उस सीट पर नजर घुमाई तो वहां कोई नहीं था। रमेश को यह सब बहुत अजीब लग रहा था। सारी रात वो उस लड़के के बारे में सोच सोच कर सो नहीं पाया और उसकी खाली सीट को घूरता रहा। सुबह हुई और जब स्टेशन आया तो कुछ आर्मी ऑफिशियल्स उस लड़के की सीट के नीचे रखे दो बक्से लेने आए। रमेश से रहा नहीं गया और जब उसने बाकी ऑफिसर्स से उस लड़के के बारे में पूछा तो उसके होश उड़ गए। उन ऑफिसर्स ने बताया कि वो सीट बाबा हरभजन सिंह की है जिनकी 1968 में मौत हो चुकी थी। हरभजन सिंह ने 1966 में आर्मी ज्वाइन करी थी और दो साल बाद ही उनकी पानी में डूबकर मौत हो गई थी। तीन दिन तक जब उनकी लाश नहीं मिली तब बाकी फौज वालों ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया। पर एक रात वो अपने दोस्त के एक सपने में आए और उनका शव कहाँ मिलेगा वो बताया। जब आर्मी ने सर्च किया तो उनका शव उसी एग्जैक्ट जगह से मिला। तब से लेकर आज तक हरभजन सिंह फौजियों के सपनों में आकर उन्हें दुश्मन के प्लान्स के बारे में पहले से ही बता देते हैं। इस तरह वो इंडो चाइना बॉर्डर पर 40 साल से इंडिया की रक्षा करते आए। कहते हैं रात में पहरा कर रहे फौजियों की अगर आंख लग जाती है तो वो उनको चाटा मारकर सतर्क भी करते हैं। इतना ही नहीं, इंडियन आर्मी भी इस बात को मानती है कि उनकी आत्मा अभी भी बॉर्डर पर ड्यूटी कर रही है और उनको कैप्टन का दर्जा और बाबा की उपाधि भी दी गई है। उनके नाम का एक मंदिर भी बनाया गया है जहाँ उनका एक कमरा है। हर रोज उनका बिस्तर बिछता है और उनकी यूनिफॉर्म और जूते वहाँ रखे जाते हैं। हर बार जब उनके कमरे की सफाई होती है तब बिस्तर पर सिलवटें और उनके जूतों में कीचड़ पाई जाती है। और तो और उन्हें हर साल घर जाने के लिए 2 महीने की छुट्टी भी दी जाती है और उनका सारा सामान उनके गांव भेजा जाता है और उस समय सिक्किम के जवान हाई अलर्ट पर होते हैं। ये सब कुछ सुनकर रमेश दंग रह गया और अपने बंकर पहुंचते ही वो सबसे पहले बाबा हरभजन सिंह के मंदिर गया जहां वो ट्रेन में हरभजन के साथ हुई उस मुलाकात के बारे में सोचने लगा। सोचते सोचते एक बार फिर हरभजन सिंह की छवि उसके सामने आई।